हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विशाल अठराड़े अकेडमी में। देखे फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन। देखे फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले है जो कि हमें उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कैसे देखे फ्रेंड, जब से हम स्कूल में जाना शुरू किया बचपन से, तब से हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर्स। यानी नंबर्स की जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जैसे भी नंबर्स है, नंबर्स जो क्लास 8 का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन एक क्लास 8 के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट होगा क्या फिर? नहीं, क्लास 8 हो, 9 हो या 10 हो, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। इसीलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सिस्टम, जो भी नंबर सिस्टम है उसमें हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखे, हमारा पहला जो टाइप है नंबर का वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखे फ्रेंड्स, जब भी हमें काउंट करना हो, समझो हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, इनको हमें काउंट करना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 से या 0 1 2 3 4 से? कहा से? 1 2 3 4 से क्या करेंगे हम शुरुआत। यानी जो भी नेचुरल नंबर्स है उनको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत है वो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट। जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट होते हो, 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी यानी बहुत सारे नंबर्स, इन्फाइनाइट नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। कहां से शुरुआत, 1 से। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है होल नंबर्स। देखिए, होल होल के स्पेलिंग में आपको क्या मिल गई, हिंट। कैसे? जो होल का स्पेलिंग है उसमें क्या दिखता है हमें, जीरो। देखिए, होल नंबर्स का है जीरो, एंड जिन नंबर्स की शुरुआत कहां से होती होगी, जीरो से, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। देखिए, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। देखिए, होल नंबर्स को हमने किस अल्फाबेट से डिनोट किया, कैपिटल W से, और होल नंबर्स की शुरुआत कहां से हुई, जीरो से, कहां तक, इन्फिनिटी। अगेन, इन्फिनिटी यानी क्या, इनफाइनाइट नंबर्स, कहां से शुरुआत, जीरो से। थर्ड जो हमारा टाइप है, थर्ड टाइप कौन सा है हमारा, इंटीजर्स। आप सभी को पता है इंटीजर्स यानी क्या, ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है। इन सभी का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है, तो इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करते कि कौन सा अल्फाबेट है, कैपिटल आई से। देखिए, बीच में होगा जीरो, राइट हैंड साइड में उनके पॉजिटिव नंबर्स, कहां तक के, इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जीरो के नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। देखिए, फिर आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सभी ध्यान में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप से वो है इवन नंबर्स। क्या है, इवन। इवन यानी क्या, जो ऐसे नंबर्स है जिनको हम 2 से कंप्लीट डिविजिबल कर सकते, यानी समझो 2 देखे हो, 2 को हमने समझो 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। यानी 2 से 2 क्या हुआ, कंप्लीट डिविजिबल। उसी तरह हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 4 मीन्स क्या हुआ, कंप्लीट डिविजिबल हो गई। देखे, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। क्या होते हैं, 2 से
एग्जैक्ट डिविजिबल कौन से नंबर होंगे फिर? टू है, फोर, सिक्स, एट, टेन अप टू इन्फिनिट। कौन से नंबर्स को आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। जैसे टू को, फोर को, सिक्स को, एट को, कौन सा भी नंबर हो, टू से उसे क्या होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर्स के पूरा ऑपोजिट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी क्या, जो ऐसे नंबर्स है जिनको टू से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं कर सकते, यानी जो नंबर्स टू से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते। कौन से नंबर होंगे फिर बता सकते हैं आप, कौन से होंगे? जैसे कि वन है, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन अप टू इन्फिनिट। इन नंबर्स को आप करके देखिए, लीजिए हाथ में पेन और पेज और करके देखिए, टू से इनको कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है क्या? नहीं, डिविजिबल तो होगा लेकिन आंसर कैसा आएगा, पॉइंट में, यानी कंप्लीट डिविजिबल हो गए क्या? नहीं। इसीलिए ऑड नंबर्स क्या है, दोज नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, टू से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होते, उसी नंबर्स को क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी क्या, ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स वन और इटसेल्फ होते हो। यानी आप सिंपल में ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कि वन की टेबल में आते हो और खुद की टेबल में आते हो। यानी समझो, देखिए नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स, इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। देखिए समझो, टू है, टू, उसके बाद आता है थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन अप टू इन्फिनिट। अब देखिए समझो, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है, एकदम स्मॉलेस्ट, वो क्या है, टू। क्या है, टू, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए कैसे, आप समझो टू के फैक्टर्स अपने गिराए तो टू को वन से डिवाइड कर सकते हैं, वन इंटू टू, और खुद टू से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स इसके फैक्टर्स कितने गिरने वाले हैं, दो, इसे टू से हम वन से डिवाइड कर सकते हैं और टू से। उसके बाद थ्री को देखिए, अब थ्री को कैसे, आप खुद या तो वन से उसे डिवाइड कर सकते हैं या तो थ्री से। एंड थ्री किन दो टेबल में आ गया, वन के और खुद अपने थ्री के, इसलिए ओनली कितने फैक्टर्स गिरे उसके, दो। एंड जिस नंबर्स के क्या होते हो, दो फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो, मीन्स वन हो, इटसेल्फ हो और अदर देन इसके दो के अलावा कोई तीसरा हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। देखिए कैसे, कॉम्पोजिट नंबर जो भी होंगे वो क्या होंगे, फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन। देखिए फोर, फोर को हम किस किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वन से, टू से और फोर से। कितने नंबर से डिवाइड हो गया, तीन। एंड इसके फैक्टर कितने गिर सकते हैं, तीन। एंड वो किन किन टेबल में आ गया, वन के आ गया, टू के आ गया और फोर के, यानी कितने, थ्री। यानी उसके फैक्टर्स क्या होंगे, दो से ज्यादा, इसलिए उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी क्या, ऐसे नंबर्स है जो किसके फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हाँ पी बाय क्यू के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसमें का जो भी क्यू होगा वो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, और पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स। जो नंबर्स पी बाय क्यू के फॉर्म में होते यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उन्हें क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। जैसे कि टू है, फोर है, टू बाय
3 है, 1 इंटू 7 बाय 3 है, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स, क्योंकि क्या है वो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आप बोलें कि 2 और 4 तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिन नंबर्स के डिविजिबल में कोई नहीं होता उसमें क्या होता है, कौन होता है उससे डिविजिबल? 1। इसलिए ए भी नंबर्स क्या होंगे? पी बाय क्यू की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स है जो कि क्या होते हैं? डेसिमल फॉर्म में होते। क्या होते हैं? डेसिमल, जिनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? डेसिमल पॉइंट में होगा। उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर्स। और हाँ, एक और बात है कि जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते, यानी इनफाइनाइट नंबर्स, यानी उनका जो डिविजिबल आएगा, जो भी उनका भाग है वो क्या होगा? बहुत सारे उसके क्या आएंगे? नंबर रिपीटेड, मीन नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उससे हम क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, आप रिवाइज कर सकते हैं, जो भी हमने पहला टाइप देखा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी क्या? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और उसकी स्टार्टिंग कहां से? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो देखा हमने वो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स किया डिनोट किया कैपिटल डब्ल्यू से, और जो भी उसकी शुरुआत हुई वो कहां से हुई? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो टाइप देखा इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट किया कैपिटल आई से, और इंटीजर्स क्या है? कॉम्बिनेशन किसका? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट देखा हमने इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स क्या होते हैं 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? इवन नंबर्स। नेक्स्ट देखा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है? जो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट एग्जैक्ट डिविजिबल 2 से नहीं होते, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? ऑड नंबर्स। उसके बाद देखा हमने प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने हो? 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, इटसेल्फ और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसके बाद देखा हमने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या है? जो नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में होते हो, यानी जो भी क्या होंगे एग्जांपल्स के क्या होंगे? अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 5, ये सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। वो भी कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपके ध्यान में आ गए होंगे कि नंबर्स के टाइप्स, उनका जो भी हमने सारे नंबर्स देखे, आपके अच्छे से पूरे माइंड में इसे भर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक के हमें क्या काम आने वाले नंबर्स है, इसलिए आप अपने माइंड में इसे एकदम फिट बैठा लीजिए ताकि आपको आखिरी तक आप भूल ना सको, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, और हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? प्लस माइनस। अब देखिए, समझो हमने दो नंबर्स लें 2 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन हमने माइनस टू लिया तो दोनों भी नंबर्स का साइन क्या है? माइनस, एंड माइनस माइनस का क्या होगा? पॉजिटिव, मीन्स 2 प्लस 2, 4, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। यहां पर सब बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़। तो देखिए, समझ लीजिए कि जब दोनों भी साइन माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है? माइनस। उसी तरह देखिए, समझो -10 है, +5 है, अब एक माइनस है और एक प्लस है, अब क्या करोगे? देखिए, इस कंडीशन में क्या देखना चाहिए? जो भी बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को जो साइन होगा वो क्या आएगा आंसर में।
और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 10 में से 5 गए, कितने बचे 5। तो बड़े नंबर्स का साइन कौन सा है, माइनस, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस 5। उसी तरह देखें 5 माइनस 3, अब बड़े नंबर्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, और छोटे नंबर का साइन है माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस गए माइनस, 5 में से 3 गए 2 बचे। बड़े नंबर्स का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, यानी क्या आएगा प्लस 2। अब प्लस साइन लिखते नहीं, जैसे माइनस लिखते उसी तरह प्लस लिखते है क्या, नहीं, ये क्या हो गया प्लस 2 आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, समझो आप माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन के अंदर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू 2 4, दैट इज आंसर क्या आएगा प्लस 4। सर समझो देखिए, एखादा नंबर है माइनस 5 इंटू 5, माइनस 5 इंटू प्लस 5, प्लस माइनस जो मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 5 5 20। अब इसमें जो बड़ी मल्टीप्लीकेशन में ये देखना नहीं चाहिए बड़े नंबर्स का साइन क्या है, छोटे नंबर्स का साइन क्या है, ये देखते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन में, नहीं, सिर्फ क्या देखना कि समझो दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, किसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या है उल्टा है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा रहेगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन बड़े नंबर्स का जो साइन होगा वो क्या आएगा आंसर में। उसे 5 माइनस 3 प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 गए 2 बचे, बड़े नंबर्स का साइन क्या है पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन में क्या है माइनस 5 इंटू प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 25। उसी तरह माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर प्लस, दैट इज 2 इंटू 2 4। डिविजन में देखिए, समझो माइनस 10 अपॉन माइनस 5 है, तो डिविजन में क्या होता है माइनस माइनस गे प्लस, 5 1 5 5 2 10, यानी आंसर क्या आया 2। उसी तरह समझो एखादा माइनस 10 अपॉन 5 है, तो आंसर क्या आएगा 5 1 5 5 2 10, पर साइन कौन सा आएगा माइनस। देखिए ये भी बेसिक चीजें, इसके ऊपर हमें वीडियो बनाएंगे, उसमें आपसे अच्छे तरह से ध्यान में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स ध्यान में आए होंगे, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ इसे आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए ताकि आपको आखिरी तक ये आपके ध्यान में रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग विशाल अट्राले अकेडमी।